Assalamu alaikum students, I am Professor Wazir Ali Mehman. पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने डिस्कस किया. तो हम फिजिकल वर्ल्ड में थे और मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन के जैसे जैसे मैं आप न्यू वीडियो अपलोड करूं तो अब वो आप लोगों के पास रीच हो जाए. तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स के बेसिस पे हम पूरी जो ना आज की हमारी पूरी वीडियो यूनिट्स के सिस्टम पे होगी. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड. This is physical world. Physical world में जैसे ही साइंटिस्ट इन हुए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिजिक्स जो है वो तीन बेस क्वांटिटीज की बनी हुई है, ठीक है, जिसमें था मास, लेंथ, टाइम. मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल वर्ल्ड है ये पूरी की पूरी इन तीन क्वांटिटीज के बेसिस पे बनी हुई है. तो साइंटिस्ट ने उन क्वांटिटीज को नाम दिया था बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज. बेस फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं? तीन होती हैं. नंबर वन लेंथ, नंबर टू मास, नंबर थ्री टाइम. ये तीन. लेंथ की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्मॉल एल, मास की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो एम, टाइम की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है टी. लेंथ एल, मास एम, टाइम टी. लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास का जो यूनिट होगा हम इसको कैपिटल एम से भी शो कर सकते हैं. मास जो होगा वो होगा किलोग्राम, दिस इज केजी. टाइम जो होगा दिस इज सेकेंड, जिसको हम लिखते हैं एसईसी. मतलब होल फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी तीन क्वांटिटी में से ड्राइव्ड हैं. तो साइंटिस्ट ने ऐसी क्वांटिटीज को क्या नाम दिया था? फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज, ओके. तो ये बेस्ट क्वांटिटीज है. फिर साइंटिस्ट ने इसके अंदर और डिटेल में गए तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिली जिनको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं. लेकिन ड्राइव से पहले साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इसके अंदर चार ऐसी और क्वांटिटीज थी जो ना के बेस थी ना ही ड्राइव थी. तो फिर साइंटिस्ट ने उसका नाम चेंज करके, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर देता हूं, उसका नाम रखा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें तीन तो यही थी लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिल रही थी हमें हमारे पास. जैसे कि नंबर फोर पे हम देखें, नंबर फोर पे हमें मिल रहा था टेम्परेचर. टेम्परेचर ऐसा था जो कि इन तीनों में से ड्राइव नहीं हो रहा था. तो टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से, इसका यूनिट जो होगा वो होगा केल्विन और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी के. एक और क्वांटिटी हमारे पास थी जो थी इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई सिंबल से, और इसका यूनिट होगा एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अनदर नंबर सिक्स, जो हमारे पास आ रही थी वो आ रही थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम किसको कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है एल आई, और इसका यूनिट जो है वो है कैंडेला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। नंबर सेवन, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वालिटी आई थी वो आई थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो होल फिजिकल वर्ल्ड, जो पूरी की पूरी फिजिकल वर्ल्ड है, वो इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की बनी हुई है। अब जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो इन क्वांटिटीज में से ड्राइव होगी। तो अब हमने देखा कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि पूरी फिजिकल वर्ल्ड जो है, दिस इज अ होल फिजिकल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट मींस द होल फिजिकल वर्ल्ड, पूरी की पूरी जो फिजिकल वर्ल्ड है वो इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की बनी हुई है। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जैसे ही फिजिक्स के अंदर रिसर्च की गई तो उन्होंने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हमें मिल रही थी, जो कि वो सारी की सारी क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव हो रही थी। तो आए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो हम इनमें से ड्राइव क्वांटिटीज को इतना डिटेल में नहीं, लेकिन 8-10 ड्राइव क्वांटिटीज को हम डिस्कस करते हैं कि 8-10 जो ड्राइव क्वांटिटीज होंगी वो कौन कौन सी है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राइव क्वांटिटीज को। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होती हैं? पहले इनकी डेफिनेशन डिस्कस कर लें कि फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव फ्रॉम इस कॉल या आर कॉल करते हैं इसको आर कॉल डेराइव्ड क्वांटिटीज, आर कॉल डेराइव्ड क्वांटिटीज। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, हम इसमें से 8-10 क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली जो डेराइव्ड क्वांटिटीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिया। एरिया एक ड्राइव क्वांटिटीज है। हाउ वी कॉल इट एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटीज? एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटीज। हाउ? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। याद कर लें, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, ठीक है, इन सब का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर। ये अपने माइंड में आप बिठा लें कि लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, इन सब का यूनिट क्या बनेगा? मीटर। तो आए देखें कि ये एरिया कितनी क्वांटिटीज में से एक, देखिए लेंथ मीटर इन टू मीटर, दो लेंथेस मिलकर क्या बना रही है? एक नई क्वांटिटीज बन रही है जिसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो एरिया इज ड्राइव फ्रॉम टू लेंथेस,
नंबर टू अगर मैं डिस्कस करूं तो वॉल्यूम, सेकेंड अगर हम डिस्कस करें सेकेंड ड्राइव पॉइंट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एक ड्राइव पॉइंट ही है। वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी किस तरह से है कि देखिए कि वॉल्यूम इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अब वॉल्यूम जो हमारे पास है वो ड्राइव क्वांटिटी है कैसे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ये तीन लेंथेस की कॉम्बिनेशन से एक क्वांटिटी बनी है जिसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। तो मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मीटर क्यूब। अब थर्ड अगर हम देखें, थर्ड ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास क्या है, तो थर्ड ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास होगी, सपोज मैं कह देता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी में से एक कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन निकालूं वेलोसिटी की डायमेंशन अगर हम निकालें तो किस तरह से वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास, सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो कौन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, लेंथ एंड टाइम की कॉम्बिनेशन से जो ड्राइव क्वांटिटी बनी है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज एनदर ड्राइव क्वांटिटी व्हिच कैन बी ड्राइव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, ओके। और भी हम बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं जैसे एक्सेलरेशन, नंबर फोर, एटलीस्ट हम 10-12 गुना डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू 1/t, ये टी नीचे आ गया, वेलोसिटी अलग हो गई, इसको ऐसे में कर दूं, चेंज इन वेलोसिटी इनटू 1/t, तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 1/t, इसका यूनिट है मीटर, टाइम टाइम इनटू टाइम सेकंड, सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, क्या बनेगा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब एक और हम और भी बहुत सारी है, नंबर 4, 5 एंड फोर्स की ड्राइव, फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स की अगर हम देखें तो फोर्स किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी ड्राइव करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम, मास इज अ किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए फोर्स कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है, मास से, लेंथ से, टाइम से, तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर क्या बना रही है यहाँ पे, एक न्यू ड्राइव क्वांटिटी बना रही है जिसको हम कहते हैं फोर्स। तो और भी बहुत सारी हैं, और भी हम जो ना डिस्कस करते हैं, ओके नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 6 हमारे पास जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, नंबर 6 हमारे पास होगी, सपोज हम लिखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, या हम इसको लिखें एम, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है, केजी, वेलोसिटी का अभी अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इनटू सेकंड। हम न्यूटन इनटू सेकंड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए न्यूटन अभी अभी ये जो फोर्स हमने किया है इसको आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल तो यही बनेगा। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, न्यूटन इनटू सेकंड। नंबर सेवन, अगर हम टॉर्क की देखें, टॉर्क किसके बराबर है, टॉर्क इज इक्वल टू, दिस इज अटाउ इज इक्वल टू आर इनटू एफ। आर इज रेडियस, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रेडियस किसके बराबर होता है, मीटर इनटू, दिस इज न्यूटन, सो वी कॉल इट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये हमारे पास टॉर्क आ गया। नंबर एट अगर हम देखें तो एनर्जी, ये चलो वर्क डन, वर्क डन हम अगर देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर, तो ये भी ड्राइव क्वांटिटीज है। और भी बहुत सारी हैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब सारी क्वांटिटीज फंडा, वो जो ड्राइव क्वांटिटीज हम किसको कहते हैं कि वो क्वांटिटीज जो के फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। तो एट आई थिंक सही है, और भी बहुत सारी हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में इनको डिटेल में वैसे ही डिस्कस करना है टॉपिक्स को, तो वहां पे मैं आपको इनकी जो ना यूनिट्स भी दिख, जो ना हम किस तरह से यूनिट इसके निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ड्राइव क्वांटिटीज। बस इस लेक्चर में एक और छोटा टॉपिक हम ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम्स ऑफ यूनिट हमारे पास होते हैं चार, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है। अब हम ड्राइव क्वांटिटीज हमने देखा, अब हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट्स के सिस्टम, ठीक है। जो बेस क्वांटिटीज हैं, ये जो हमारे पास सिस्टम्स बने हुए हैं, ये बेस क्वांटिटीज के बेसिस पे बने हुए हैं। नंबर वन इज सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, दिस इज सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, ए स्टैंड फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, ग्राम किसका यूनिट है हमारे पास, मास का, सेकेंड किसका यूनिट है हमारे पास, टाइम का। दूसरा हमारे पास सिस्टम है एमएफपीएस सिस्टम, जो ब्रिटिश वाले थे वो ये यूज करते थे और एशियन वाले ये यूज करते थे। एफपीएस सिस्टम हमारे पास क्या है, एफपीएस सिस्टम, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, ए स्टैंड फॉर सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। फुट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ, बट पाउंड जो है ना वो जो ब्रिटिश वाले थे वो मास को स्टैंडर्ड क्वांटिटीज नहीं मानते थे, तो ये कहते थे कि ये इसका फोर्स भी है, लेकिन हम मास का भी यूनिट इसका कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम जो अगर केक लेते हैं बेकरी से तो वो पाउंड के फॉर्म में होता है, तो हम मास भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मैं जो ना आपको कन्वर्जन आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और सेकेंड जो हमारे पास है वो है टाइम का। फिर एक और सिस्टम हमारे पास है, दिस इज एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम हम किसको कहते हैं, एमकेएस सिस्टम जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि दिस इज मीटर,
किलोग्राम सेकेंड, ये भी लेंथ का है, ये मास का है, ये टाइम का है। लेंथ मास टाइम एमकेएस सिस्टम। फिर पता है क्या था कि साइंटिस्ट, सपोज ब्रिटिश वाला अगर एशियन में जाए या अमेरिकन वाला एशियन में जाए पायलट, तो उसको कंफ्यूजन हो रही थी। सबने कहा कि आप अलग अलग सिस्टम क्यों यूज करते हैं। फिर साइंटिस्ट ने एक पेरिस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे एक कहा था कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक ही सिस्टम होगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम। ये एक्चुअली एमकेएस से कन्वर्ट किया गया था, लेकिन क्या एमकेएस और एसआई सिस्टम सेम है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? अगर हम कहते हैं कि फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या है, न्यूटन, फोर्स हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं न्यूटन। अब ये जो न्यूटन है ये क्या है? एसआई सिस्टम है, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्क डन का अगर देखें तो एफ डॉट डी न्यूटन सेकंड, ये हमारे पास इक्वल हो गया जूल के, तो ये भी क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, प्लीज सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जो कि मेरे लेक्चर्स को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही काम करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें दूसरों के पास। और आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, फिनिश करते हैं, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के साथ, आप अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, आप लोगों को मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा कि यूनिट्स की कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर, इंटरनेशनल लेवल के लेक्चर यहाँ पर मिलेंगे। फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक्स इंटरनेशनल फिजिक्स विद वजीर, एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में सब में शेयर